नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है इस वक्त के फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। इस दौरान चीन सहित कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने पर सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार कम कीमत पर उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बेझिल है। साथ ही कहा कि इस तरह की जानकारी को जनगणना के दायरे से बाहर करना एक सचेत नीति निर्णय है। IRCTC ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 और रामायण सर्किट विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। IRCTC श्रद्धालुओं की बड़ी मांग को देखते हुए ये अवसर देने जा रहा है। असम के दरांग जिले के ढोलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कम से कम 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो बेड़े के जगह 56C-295 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मैन बैटल टैंक अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। यह सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं किए जाने वाले कैदियों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। अदालत ने इसके लिए अपनी योजना फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लागू कराने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घर घर टीकाकरण की अनुमति दे दी है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर हुई तोड़फोड़ के जांच की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों हिंदू सेना के लोगों का एक वीडियो आया था, जिसमें वह ओवैसी के घर के बाहर तोड़फोड़ करते देखे गए थे। यूपी में BJP व निषाद पार्टी के बीच आज सीटों का बंटवारा होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद इसकी घोषणा करेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। मतदाता ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के लिए वोट डाल रहे हैं। दिल्ली के अंसल प्लाजा स्थित अकेला रेस्तरा में साड़ी पहनकर आई महिला को प्रवेश ना देने के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं ने साड़ी पहनकर रेस्तरा के बाहर प्रदर्शन किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की राजनीति और गुस्से पर कांग्रेस आलाकमान पर पलटवार किया और कांग्रेस नेतृत्व से सवाल करते हुए पूछा, राजनीति में गुस्से के लिए जगह नहीं है तो क्या जलालत के लिए जगह है। हरियाणा के KMP एक्सप्रेसवे पर बस व ट्रक की टक्कर में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, इसमें से 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें रोहतक PGI रेफर किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए चल रही सरकारी कवायद की जानकारी लेने के लिए गृह विभाग की समीक्षा की। मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक नक्सलियों तक ना पहुंचे, इस पर नजर रखी जाए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कोयला और लेह अस्यक खदानों की नीलामी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोल ब्लॉक नीलामी के लिए दबाव बना रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में सोच समझकर फैसला लेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में रिवर साइड रोड पर बनी कपड़ा दुकानों में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें स्कूल खोलने सहित कई बड़े मसले पर फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि शोपियां में अब आतंकवाद और पिछड़ेपन की निशानी नहीं रहेगी। यह सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विकास और खुशहाली का एक नया केंद्र होगा। मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल मागमा के साथ बंगाल के तृणमूल सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस अब गोवा और मेघालय की तरफ सियासी धमाल मचाने की तैयारी कर रही है। ओडिशा के कलिंग नगर में उद्योग के लिए अपने जमीन और घर गंवाकर विस्थापित होने वाले लोगों का बुरा हाल है, जहां मार्च 2020 से अब तक 23 कर्मचारियों की अकाल मौत हुई है। 2 दिन पहले एक कर्मचारी की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है।
महाराष्ट्र में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि पुलिस ने हमें कोल्हापुर जाने से रोकने के लिए अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया। आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा गत दिनों पकड़े गए 7 ईरानी तस्करों ने कबूल किया है कि वह बीते 1.5 साल में अफ्रीका, तंजानिया, मस्कट सहित 5 देशों में अब तक 1000 किलो से अधिक हीरोइन पहुंचा चुके हैं और भारत में पहली बार 30 किलो हीरोइन की खेप लेकर पहुंचे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के प्रवास पर राजस्थान के जोधपुर पहुंचे। वे यहां संघ के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण व समाज के विभिन्न गणमान्य व प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। कस्तूरी मेथी हेल्दी हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये लिपिड लेवल को कम करने में मदद करती है। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने माइंस इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार bssc.bis.gov.in पर 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का विजय अभियान रोकने उतरेगी भारत की महिला क्रिकेट टीम। भारतीय महिला टीम की निगाहें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बराबर करने पर होगी, क्योंकि वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को कंगारू टीम के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री तनुजा ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया। तनुजा के जन्मदिन के मौके पर उनकी बेटियों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।